हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो पेपर है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, उसके बारे में। तो इससे पहले हमने एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था आपको, उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो इस वीडियो में हम उन क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बात करेंगे कि उनका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। उत्तर 1 जो है था उसके सही विकल्प है, पहले का आंसर है द ऑप्शन उत्पादन संभावना वक्र, दूसरे का आंसर है ब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तीसरे का आंसर है ब ऋणी, चौथे का आंसर है ब प्राथमिक घाटा और पांचवे का आंसर है अपकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो उसमें पहले का जो सही जोड़ा था वह था 4th नंबर, संपत्ति एवं उद्यम से प्राप्त आय। दूसरा था रिजर्व बैंक, तो उसका कार्य था नोट निर्गमन। तीसरा था किन्स, तो उसका कार्य था रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। 4th था बाजार का वो सॉरी भारत का विदेशी व्यापार, तो उसका आंसर है ऋणात्मक। आगे देख लेते हैं। 5th है बेस्ट वल, उसका आंसर था उत्पादकता का सिद्धांत। सह है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो पहले में आएगा संतुलन, दूसरे में आएगा एकाधिकार, तीसरे में भुगतान, चौथे में रेल मंत्री और पांचवे में ध्यान। द है जिसके आपको सही और गलत बताना था, तो पहला जो सेंटेंस था वो सही गलत था, दूसरा गलत था, तीसरा भी गलत था, चौथा सही था और पांचवा सही था। तो पहले दूसरे तीसरे गलत थे और चौथा और पांचवा सही था। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप देख लें। उसको देखने के बाद में इन सारे सॉल्यूशन को देख लें। यह एक शब्द में उत्तर देना है आपको। तो पहले का आंसर है बंद अर्थव्यवस्था, दूसरे का केंद्रीय ग्रामीण विकास बैंक, तीसरे का आंसर है प्रोफेसर डॉल्टन, 4th का आंसर है गैर विकासात्मक व्यय और 5वें का आंसर है 100। आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यह है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना था आपको, चार अंतर बताने थे। तो ये चार अंतर हैं, आप इन सबके स्क्रीनशॉट लेते रहें, इन सबको बोल के बताने में आपका ही टाइम बर्बाद होगा। इससे बढ़िया आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप देख सकते हैं इसको आराम से। ये 1st का आंसर है और अथवा के अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपके सामने है। ये अथवा का आंसर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल, ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका उत्तर है मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। ये पहला तत्व है वस्तु की कीमत, दूसरा तत्व है उपभोक्ताओं की आय, तीसरा तत्व है धन का वितरण, चौथा है उपभोक्ताओं की रुचि, पांचवा है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, 6 है जनसंख्या, 7 है भविष्य में मूल परिवर्तन की आशा, 8 है सरकारी नीति, 9 है जलवायु। अथवा के अंदर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये अथवा के अंदर क्वेश्चन था, उसके आंसर है मांग के तीन बातें और मांग के नियम के अपवाद 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले चार तत्व आपके सामने हैं, पहला व्यापक मांग, दूसरा वहनीयता, तीसरा टिकाऊपन, चौथा पूर्ति की आशा, पांचवा यातायात एवं संचार में साधन, 6 बैंकिंग व्यवस्था। नेक्स्ट है सरकारी नीति, 8वां है शांति एवं सुरक्षा। अथवा के अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर पूर्ण प्रतियोगिता, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है और पूर्ण रोजगार के उपाय, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये उपाय हैं इसके। अथवा के अंदर क्वेश्चन था उपभोग फलन का अर्थ, तो ये इसका आंसर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए उपभोग फलन का महत्व। नेक्स्ट है उत्तर 10 का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकारी प्रयास, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अथवा के अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण, ये इसका आंसर है। ये उत्तर संख्या 11 का आंसर है सामाजिक वित्त और निजी वित्त में अंतर। अथवा के अंदर क्वेश्चन है उसका आंसर, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, उत्तर 12।
ये अथवा के अंदर क्वेश्चन है। उत्तर 13 निर्देशांक का महत्व, माध्य विचलन के दो गुण, अथवा के अंदर क्वेश्चन है, तो ये दो गुण हैं माध्य विचलन के, ये देख लीजिए दो गुण और ये दो दोष, ये उत्तर संख्या 14 पूर्ति की लोच का अर्थ और पूर्ति की लोच क्या होती है और पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, वो है आपके सामने वस्तु का स्वभाव, उत्पादन लागत, उत्पादन की तकनीक, चौथा है समयावधि। नेक्स्ट है अथवा के अंदर स्थिर लागत, उसका आंसर ये परिवर्तन लागत और ये इनके अंतर, स्थिर लागत और परिवर्तन लागत में अंतर, इनको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें जिससे वो भी तैयारी कर सके। आगे बढ़ते हैं, ये उत्तर 15 सकल घरेलू उत्पाद, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सबके स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये अथवा के अंदर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का मापन करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं और एक विधि बतानी है आपको विस्तार से। उत्तर संख्या 16 रोजगार के परंपरावादी व किन्स के सिद्धांत में अंतर, ये परंपरावादी सिद्धांत और ये किन्स सिद्धांत दोनों में अंतर है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए ये सारे अंतर हैं, पांच अंतर लिखेंगे आप तो आपको पूर्णांक दिए जाएंगे। नेक्स्ट है अथवा के अंदर विनियोग गुणक का अर्थ क्या है और विनियोग गुणक का विचार, स्क्रीनशॉट ले लें। दो सीमाएं और महत्व, महत्व है विनियोग का महत्व, व्यापार चक्र की व्याख्या, तीसरा है बचत एवं विनियोग में समानता, चौथा है आर्थिक नीतियों के निर्माण में महत्व। उत्तर 17 है घाटे के बजट से क्या आशय है बताइए और इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे होता है कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, रोजगार में वृद्धि हो जाती है, पूंजी निर्माण में वृद्धि हो जाती है और आय के वितरण में असमानता आ जाती है। अथवा के अंदर क्वेश्चन है सरकारी बजट की विशेषताएं बताइए, तो ये उसकी विशेषताएं हैं बजट का आधार रोकड़ राशि, सकल राशि, समस्त क्रियाओं का एक बजट, व्यय समाप्ति नियम, अनुमान वास्तविकता के निकट, बजट नीति, मदों के प्रकार। यह प्रश्न के 18 का उत्तर निर्देशांकों के सिद्धांत और ये अथवा के अंदर क्वेश्चन है अपकिरण का अर्थ, तो इसका आंसर है ये, इसका आंसर लिख लीजिए, ये उसके उद्देश्य हैं, इसको भी लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। यह प्रश्न संख्या 19 का उत्तर मांग के नियम में मान्यताएं, ये तीन मान्यताएं, इसको लिख लीजिए और इसका ग्राफ है डिमांड और प्राइस में, ये देखिए मांग वक्र है जो आपको दिखाया और ये क्यों झुकता है इसका कारण बताना है, तो इसके ये कारण है, इनको लिख लीजिए। फर्म के साम्य का अर्थ, फर्म के साम्य विश्लेषण की मान्यताएं, ये उसका आंसर है, इसको भी लिख लें। ये उत्तर 20 मुद्रा की परिभाषा लिखिए, ये मुद्रा के कार्य और रिजर्व बैंक के चार कार्य और ये वर्जित कार्य क्या क्या वर्जित है। ये उत्तर 21 प्रमाण विचलन की गणना कैसे करनी है, ये देख लीजिए इसका फॉर्मूला देख लीजिए। ये श्रेणी अंतर रीति द्वारा सहसंबंध गुणांक कैसे निकालते हैं देख लीजिए। तो ये थे सारे क्वेश्चनों के आंसर, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।